Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to our course of complete personality development. आज का हमारा दिन है day 15 और वो दिन है intuition day. Write it down in your notebook. Intuitions क्या होते हैं? हम ये इस word का उपयोग हमेशा करते हैं. ये मेरा intuition था. मुझे intuition हुआ था. Intuition का मतलब होता है अंतर्ज्ञान. अब ये अंतर्ज्ञान होता क्या है? जो सूचनाएं आपको अंदर से आती है, आपके हार्ट से आती है, अंतर मन से आती है, उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, इंट्यूशंस. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. आप देखोगे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें या उनके पास ऐसी कुछ ताकत है कि जो लोगों का भविष्य या ये सब कुछ चेंज कर सकता है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ सूचनाएं मिलती हैं अंदर से, लोगों के बारे में या खुद के बारे में या परिस्थिति के बारे में, घटनाओं के बारे में. और मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्ज्ञान होता है वो हम सब में होता है. हम सब में होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनमें भी होता है. पशु पक्षी, आपको पता है अगर कहीं भूकंप आने वाला हो, बारिश आने वाली हो थोड़ी देर के बाद, तो पशु पक्षी ऑटोमेटिकली आसरा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जाके कहीं छुप जाते हैं. अगर भूकंप आने वाला हो तो पक्षी उस एरिया से चले जाते हैं. ये अंतर्ज्ञान है, वो पशु पक्षियों में कायम रहता है. क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे जैसी बुद्धि नहीं है. ह्यूमंस, हम मतलब इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता उनके पास नहीं है. उनकी बुद्धि जो होती है वो कुछ प्राणी अगर आपने छोड़े तो उनकी बुद्धि सिर्फ खाना पीना, भूख और रिप्रोडक्शन, प्रजनन, उतने तक ही सीमित रहती है, और खुद का संरक्षण. और इस संरक्षण के लिए उनमें वो इंट्यूशन पावर होती है. वैसे ही इंट्यूशन पावर्स छोटे बच्चों में भी होती है. और ये जो इंट्यूशन पावर है, हमारे आजू बाजू जो प्रकृति है, नेचर है, वो हमें कुछ संकेत देता है हमेशा. और जब हम छोटे होते हैं तब इन संकेतों को हम समझ सकते हैं, हम समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं. अगर मैंने कहा कि आप आंख बंद करके थोड़ी देर सोचो और ऐसी घटनाएं सोचो कि जब आपको लगा था ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, और वो कुछ देर बाद या दिन बाद वैसा ही हुआ, किसी आदमी के बारे में, कार के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, कहीं भी, हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं. पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि लाइट जल गई, ट्यूबलाइट जल गई, दिमाग की बत्ती जल गई. हमको किसी चीज़ के बारे में, काम के बारे में या दूसरे किसी चीज़ के बारे में अचानक एक विचार अब हमारे मन में आता है, और 99.9% लोग उस विचार को निग्लेक्ट कर देते हैं. और आपको तो पता है जिस शक्ति, जिस अवयव, जिस वस्तु का उपयोग आप नहीं करेंगे कंटिन्यूसली, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है. ये तो आपको पता ही है, ये तो प्रकृति का नियम है. तो जब आपके अंदर जो शक्ति है, इंट्यूशन पावर है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इंट्यूशन पावर का इन बाबा लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है. इंट्यूशन पावर से आप दूसरों का भविष्य नहीं बदल सकते, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ आपको कुछ सूचनाएं मिलती हैं, और आपको नहीं, मुझे, आपको और सारे इंसानों को, पशु पक्षियों को, सबको मिलती है, वनस्पतियों को भी मिलती है, सबको मिलती है. ये प्रकृति का एक नियम है. तो ये जो इंट्यूशन पावर है जो हम में है, और हम उसे निग्लेक्ट करते हैं. अचानक जो हमारे मन में विचार आता है उसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते रहते हैं. तो जब हम उसे नहीं मानते तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हम बोलते हैं, अरे ये तो मेरे मन में आया ही था, मैंने ये सोचा था कि ये नहीं करूँ, फिर भी मैंने किया और देखो क्या हो गया. ऐसा होता है कभी? हमेशा होता है, बहुत बार होता है.
कुछ लोगों के साथ ज़्यादा बार होता है, कुछ लोगों के साथ कम बार होता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। इसे कहते हैं पावर ऑफ इंट्यूशन। अब हमें क्या करना है? जो इंट्यूशन पावर आज तक हम निगलेक्ट करते आए हैं, की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा जो 15वां दिन है वहाँ हम हमारी आत्मा की, हृदय की आवाज़ सुनेंगे और बिना कोई शक किए, बिना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ऑब्जेक्शन निकाले, कोई रीजनिंग किए हुए, हम उसे फॉलो करेंगे। दिस इज व्हाट आवर इंट्यूशन डे। इसका कारण यही है, इस दिवस का कारण यही है कि मैं आपकी जो इंट्यूशन पावर जो सब में रहती है उसे डेवलप करना चाहता हूँ। अब ये डेवलप एक दिन में तो नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक दिन में होने जैसा ये काम होता तो फिर उसका मतलब ही क्या है? वो तो कोई फालतू चीज़ ही होगी जो तुरंत इंस्टेंट सब कुछ होता है। पर्सनली डेवलपमेंट इस कोर्स के लिए भी ऐसा ही है। लोगों को लगता है यूं चुटकी बजा के हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने इसे ब्रेकअप करके प्रोड्यूस किया है। तो इंट्यूशन डे में हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, आप में इंट्यूशन पावर है कि नहीं या कितनी बाकी है, इसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस इंट्यूशन पावर को चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक कॉइन लीजिए, आप उसे टॉस करेंगे, किंग और आप बताएंगे। 10 बार आपको टॉस करना है। अगर 6 बार से ज़्यादा आप सही उत्तर बता सकते हो तो आप में अभी भी इंट्यूशन पावर है और उसे आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 6 या 7 बार वो परफेक्ट होना चाहिए। 5 बार तो एक लक रैंडम, मतलब एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आ सकता है, लेकिन 6 या 7 बार नहीं आ सकता। उसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होती है। तो फिर हमें क्या करना है इस दिन में? हमें क्या करना है? हमें जो विचार हमारे मन में, किसी भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑफिस जाने के, जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार कंटिन्यूसली आते रहते हैं। आपके मन में जो भी विचार आता है उस विचार को आप फॉलो करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती किए बिना, कोई भी रीजनिंग किए बिना, ये मैं क्यों करूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। जो आपका हृदय आपसे कह रहा है, जो अचानक ट्यूबलाइट जैसा खटक करके जो बल्ब जल रहा है, विचार आ रहा है, उसे फॉलो कीजिए। सिर्फ एक दिन, सिर्फ आज का एक दिन ही आपको ये सब कुछ करना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो आपको अगर लगता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि घर से जब बाहर निकलते, अरे नहीं यार आज ट्रेन से नहीं, आज बस से जाएंगे, लेकिन बोल फिर हम सोचते हैं अरे नहीं क्या है, रोज़ तो ट्रेन से जाते हैं, और आदत से मजबूर हम लोग रेलवे की तरफ घूमते, लेकिन फिर वहाँ जाके पता चलता है ट्रेन लेट है, बहुत भीड़ है, आने वाली ही नहीं है, तो हम बोलते हैं अरे यार मुझे लगा ही था कि आज ट्रेन से नहीं जाएं, लेकिन फिर भी मैं आया। और देखो तो ये इंट्यूशंस आपको दिया गया था लेकिन आपने उसे फॉलो नहीं किया, तो आज आप वो फॉलो करेंगे। ओके, दिन भर ध्यान रखिए, अपने विचारों पर ध्यान रखिए। अब विचार में आपके फर्क है, एक तो थॉट्स होते हैं, एक तो विचार होते हैं, और एक अंतर्ज्ञान होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में आने वाला हर विचार ये अंतर्ज्ञान ही हो, नॉट नेसेसरी। तो समझेगा कैसे कि ये विचार है मेरा या मेरा अंतर्ज्ञान है? एक्चुअली इसमें बहुत ही थिन लाइन है, ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जो जहाँ आप है उससे हटकर अगर कोई दूसरा विचार आ रहा है तो शायद वो इंट्यूशन हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये पावर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक दिन में डेवलप नहीं होती। जो लोग रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनमें ये डेवलपमेंट ज़्यादा होने की संभावना हमेशा होती है। तो अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते होंगे तो फिर आप में ये पावर बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा होती है हमेशा, और उसे डेवलप भी आप कर सकते हैं। और क्या तरीके, मतलब दिन भर में और क्या तरीके आप कर सकते हो?
जैसे जैसे आप इसको ट्रेन करते जाओगे, उसको जागृत करते जाओगे, वो बढ़ता जाएगा। आप देखिए, आप सुबह मतलब इमीडिएटली एक के बाद एक नहीं, आज दिन भर 5 बार आप 10 बार कॉइन टॉस कीजिए, 10 टाइम्स। ओके, सुबह एक बार, 10 बार, फिर ऑफिस में जाके किया 10 बार, फिर बाद में लंच टाइम में किया, निकलने से पहले किया, घर आने के बाद किया, और आप देखेंगे कि आपका ग्राफ कैसा है। मतलब सुबह कितनी बार राइट आया था, दोपहर में कितनी बार राइट आया था, कितनी बार राइट आया था, ये कॉन्सेंट्रेटेडली आप देखिए, आपका ग्राफ आप चेक कीजिए। दूसरा एक तरीका होता है कि जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते हमारे, तो ताश के पत्ते, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन हम इतने पावरफुल नहीं होते, हमारी इंट्यूशन पावर इतनी नहीं होती कि हम इमीडिएटली 52 कार्ड्स में से पत्ता परफेक्ट चुन सके इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता। तो आप सिर्फ इतना जानने की कोशिश कीजिए या बताने की कोशिश कीजिए कि जो पत्ता आएगा वो लाल आएगा या काला आएगा, उतना आप कर सकते हैं, और धीरे 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 इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि पशु पक्षियों में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जिनका हृदय बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, कुछ भी छक्के पंजे उसमें नहीं होते, उन लोगों के पास ये पावर बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, उनमें इंट्यूशन पावर, उनको इमीडिएटली हम लोग से ज़्यादा सेंस होता है, उनके सेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं उनके, लेकिन धीरे धीरे वो डल हो जाते हैं। तो जब आप घर पे आओगे या फिर आज दिन में जब भी आपको वक्त मिलेगा, तो ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है और फिर अपने मन की आवाज़ सुननी है। अब आप कहेंगे कि बहुत ही बुरा ग्राफ था मेरा, मतलब हर बार बहुत कम कम आते गया, तो इसको बढ़ाने के लिए और कुछ हम कर सकते हैं क्या? वेल, ये कोर्स तो सिर्फ एक दिन का है, मतलब जस्ट वन डे हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग तरह के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो आप कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आए हैं जो मेडिटेशन के लिए, ओमकार साधना इसके लिए यूज़ होते हैं, चैंटिंग वगैरह होते हैं, और आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप डेली करो तो अच्छी बात है, लेकिन आज के एक दिन तो आपको करना ही है, आज के मतलब आपका कल का दिन होगा वो, तभी तो आपको वो करना ही है। तो कॉइन यूज़ कर सकते हैं, पत्ते यूज़ कर सकते हैं, और फिर सुबह जब आप उठोगे, कल जब आप अपने बेड पर उठ के बैठोगे, तब आपको एक नॉर्मल काम एंड कूल नॉर्मल पोजीशन में बैठना है, जैसे आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन किसी भी स्टाइल में आप बैठिए जिसमें आप रिलैक्स हो। उसके बाद आपको आपकी आंखें बंद करनी है, क्योंकि ये इंट्यूशन पावर को आपको कहना तो पड़ेगा ना कि बाबा आई एम रेडी फॉर इट, यू गिव मी सम सिग्नल्स, क्योंकि आज तक तो आपने कभी कहा नहीं, और जो चीज़ आप मांगते नहीं है वो आपको मिलती भी नहीं है, तो आपको पहले तो मांगना है उसको। तो सिंपल सी बात है, आप आंखें, अपनी आंखें बंद कर दीजिए, और लव, द कलर ऑफ लव इज द पिंक, गुलाबी कलर होता है प्रेम का, लव का। तो आप आंखें बंद करके आप सोचिए कि आपके हृदय में पूरे पिंक कलर के वेव्स आ रहे हैं, पूरे पिंक कलर के वेव्स आ रहे हैं, और वो वेव्स निकल निकल के पूरे आपके शरीर में फैल रहे हैं, फिर शरीर से बाहर जाकर आपके रूम में फैल रहे हैं, आपके पूरे घर में, सोसाइटी में, उस एरिया में, सिटी में, प्रदेश में, देश में, और ऐसा करते करते हर जगह आपको पिंक कलर दिखना चाहिए। पिंक, अगर आप क्लाउड्स देखोगे, धुआं देखोगे पिंक कलर का, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपना राइट हैंड आपके हृदय पर रखिए, आपके हृदय के धड़कन सुनिए। बेचारा, जब से आप पैदा हुए हैं तब से बिना कोई कंप्लेंट किए अपना काम कर रहा है, कभी आपने उसे थैंक्स कहा है? नहीं। आप तभी उसकी तरफ ध्यान देते हो जब भी वो अचानक कुछ गड़बड़ कर लेता है, और हार्ट अटैक, माइल्ड अटैक्स, ये ऐसे कुछ चीज़ें होती है, तभी आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो आज उसे सुनिए, क्योंकि वही आपको देगा इंट्यूशंस। हृदय पर हाथ रखिए और उसे कहिए कि यस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम रेडी
for the intuitions. Just give me signals and I will follow them, I will obey them, I will try to obey them. Okay? तो ये करने के बाद थोड़ी देर वैसे ही बैठिए, शांत बैठिए और उसके बाद अपने काम पे लग जाइए. फिर दिन भर ध्यान मत दीजिए कि मुझे इंट्यूशन आ रहे क्या, आ रहे क्या. नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आते हैं. आप ऐसे कान लगा के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. जस्ट निगलेक्ट इट, छोड़ दो फिर. लेकिन जो जो विचार अचानक आपके मन में आ जाएंगे उसे आपको फॉलो करना है. और जब आप रात को घर आएंगे तब आपको क्या टास्क है, जब आप रात को घर आएंगे तब आपको जो सुबह आपने जो किया था, हृदय को आपने बताया था कि आई एम रेडी फॉर इंट्यूशंस, वही चीज़ सोने से पहले आपको करनी है. और फिर आपको ये चीज़ करने से पहले एक छोटा सा टास्क भी है अपने नोटबुक के लिए, आज के दिन में आपको क्या क्या इंट्यूशंस हुए या क्या क्या सिग्नल्स मिले या क्या क्या विचार आपके मन में आए, वो आपको लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इंट्यूशंस ही हो. ओके? ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल सामान्य विचार हो, लेकिन वो आपको लिखने हैं. और फिर उसके बाद आपको आपके जीवन के बारे में सोचना है, पास्ट भूतकाल के बारे में सोचना है कि कभी ऐसा हुआ था क्या कि मुझे अचानक ऐसा कुछ लगा था मैंने और मुझे पहले से ही पता चला था कि ऐसा होने वाला है और वैसा हुआ. ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती है तो उनके बारे में आपको सोचना है. और अगर ऐसी घटनाएँ आपके जीवन में घटी हुई है, छोटी बड़ी कौन सी भी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है या बहुत बड़ी कुछ चीज़ है. कभी कभी हमको लगता है कि अरे आज ना मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने वाला है और वो मिलता है. ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में घटी है क्या? अगर घटी है तो उसे नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. शॉर्ट में कीजिए, बहुत बड़ा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब आप लिखेंगे और फिर सोने से पहले जो एक्सरसाइज आपने सुबह की थी अपने हार्ट के लिए, उसी को आप दोहराएंगे आराम से लेटकर सोते सोते. मतलब इतनी देर तक आपको करनी है कि उसी चक्कर में आपको नींद ही आ जाए, मतलब आपको पता ही ना चले कि आपको नींद कभी आ गई. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर इंट्यूशन डे एंड आई थिंक टुमारो इज योर इंट्यूशन डे. सो बेस्ट ऑफ लक और अपने हृदय की आवाज सुनना मत भूलिएगा. Have a nice day. Thank you very much.